So hey, what's up? This is Najii Khan and you're watching Najii TV official. Again लाया हूँ आपके लिए एक new video. So friends, आज के इस video के अंदर आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी trick. काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस trick के बारे में पता होगा, लेकिन friends अगर आप इस trick पर अमल करते हैं, सो आप pics editing करते हैं या फिर YouTube के लिए thumbnail बनाते हैं, तो इस trick से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ऐसी पिक्स होती हैं, अगर हम यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहें या वैसे पिक एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पिक्स होती है जिनका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है. तो प्ले स्टोर से हमें कुछ एप्लीकेशन जैसा कि पिक्स आर्ट हो गया, पिक्स से हो गया, बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, सो फ्रेंड्स ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है और वहाँ पर खुद ही मतलब के बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक. जस्ट एक क्लिक के साथ आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड काफ़ी बेटर तरीके से क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर एक पिक पड़ी है गाइज, अगर हम इसको पिक्स आर्ट के अंदर या किसी और एप्लीकेशन के अंदर लाएँ और इसको हम रिमूव करना चाहें बैकग्राउंड को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बालों को देखेंगे तो यहाँ पर जो हम बैकग्राउंड इसको रिमूव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लग जाएगा. तो जस्ट एक क्लिक के जरिए हम इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ. लेकिन उससे पहले भाईजान, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें. सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नॉर्मली आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है. यहाँ पर आने के बाद आपने नॉर्मली यहाँ पर सर्च कर लेना है रिमूव और आगे आपने लिख देना है बीजी. सो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है रिमूव बीजी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना. अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी. अब आपने नॉर्मली इस पहली लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है. अब जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा. अब नॉर्मली आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है. अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते ही आपने यहाँ से वो पिक सेलेक्ट कर लेनी है. अब जैसे आप पिक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड लगेंगे आपकी अपलोडिंग में, पिक अपलोडिंग में. और उसके बाद भाई जान आपकी जो पिक का बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से रिमूव होकर आपके सामने आ जाएगा. सो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं काफी बेटर तरीके से जस्ट एक क्लिक के साथ मतलब के बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है. और इसके अंदर मतलब आप यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके हाई रेस के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर, और उसके साथ आप यहां पर मतलब के वो भी कर सकते हैं. तो अगर आप हाई रेस के अंदर करेंगे तो आपको इसके अंदर साइन अप करना पड़ेगा, तो आप साइन अप करके इसको कर सकते हैं. उसके अलावा ऊपर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट. आप एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर एडिट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप बैकग्राउंड खुद भी इसका कोई सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम ब्लर कर देते हैं इसको, लेकिन यहाँ से नीचे से हमें कोई बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा. जैसा कि हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, अब जैसा कि हमने ये सेलेक्ट किया है, ये कलर वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे हमने कलर वाला सेलेक्ट किया है, उसको आप ब्लर कर सकते हैं, ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, कम ज़्यादा ब्लर यहाँ से कर सकते हैं. उसके अलावा आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं जो आप मर्जी को. और उसके अलावा सेलेक्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके आप अपना मतलब के फ़ोटो भी, कोई भी बैकग्राउंड भी इस पिक के पीछे लगा सकते हैं. तो बहुत ही ईजी मतलब ये वेबसाइट है, जस्ट एक क्लिक के ज़रिए आप इसके अंदर बैकग्राउंड को बहुत ही बेटर तरीके से रिमूव कर सकते हैं. और आपको लगेगा भी नहीं कि भाई जान इसका बैकग्राउंड रिमूव किया गया है या नहीं, तो यहाँ पर आप इस पिक के अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बता दिया करें. और अगर आपको ये ट्रिक पहले नहीं थी पता तो वो भी आपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है. तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.